करेरा के प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता की नातिन स्तुति गुप्ता पुत्र श्रीमती चंद्रा अशोक गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स पत्रिका के अंडर 30 में स्थान बनाकर निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ क्षेत्र व प्रदेश को गौरवान्वित किया है। स्तुति गुप्ता के अपने ननिहाल करेरा आगमन पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अशोक गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्तुति गुप्ता, नरेंद्र तिवारी, संजय बिलैया के साथ साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव, प्रमोद गुप्ता, ओम प्रकाश दुबे, रमेश वाजपेयी, भास्कर परमार आदि उपस्थित थे। सूची में शामिल होने वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 61 के साथ प्रविष्टियों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है। इसके बाद सिंगापुर 34, जापान 33, ऑस्ट्रेलिया 32, इंडोनेशिया 30 और चीन का स्थान है। इसमें अपना स्थान बनाकर निश्चित रूप से स्तुति गुप्ता ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस सम्मान समारोह में स्तुति गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही कार्यक्रम का संचालन प्रमोद गुप्ता भारती ने किया, आभार डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कुंवारी स्तुति गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी पढ़ाई क्लिनिकल साइकोलॉजी में थी और मुझे हमेशा से था कि मुझे खुद का कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि क्या करना है। तो जब मैं एक्चुअली बाहर पढ़ने जाने वाली थी, स्कॉटलैंड मेरा हो भी गया था, बट जब घर में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो भैया अग्निम गुप्ता जो मेरे भाई हैं वो और मैं दोनों वापस ग्वालियर आए। हम दोनों बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे। वो बहुत ही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन वो क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर से उनका कोई बातचीत नहीं हो रहा था तो वो कम्युनिटी वाला सेंस मिसिंग था। तो हम दोनों ने एक कम्युनिटी बनाई आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो फॉलो करने वाले हैं, जिन्हें ऐसी जीवनशैली चाहिए जो आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। तो करीबन 1,00,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। और आई थिंक वो शौक था कि कुछ अपना करना है और उस चक्कर में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका नाम कोई और नॉमिनेट करता है। तो जब मेरे पास एक ईमेल आया कि आपका नाम नॉमिनेट हुआ है, तो उनकी पूरी जूरी होती है जो बैठती है, और अगर आप एक्टिव हैं जैसे अपने फील्ड में एक्टिव हैं, आप अगर लिंक्डइन सोशल मीडिया उस जगह पे अपने काम के बारे में बात करते आ रहे हैं, या फिर आप और भी जगह फीचर हुए हैं, या कोई और पहले उस लिस्ट में जा चुका है और उसने आपका नाम नॉमिनेट किया है, तो ही आप इसमें नॉमिनेट होते हो। और फिर वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं, ईमेल करते हैं, और एक बहुत लंबा फॉर्म होता है जिसको आपको भरना होता है, और उसके बाद डायरेक्टली वो पब्लिश होता है और फिर वो आपको ईमेल भेजते हैं कि आप सेलेक्ट हुए। तो मेरा भी यही प्रोसेस था कि उन्होंने मेरा नाम खुद से नॉमिनेट।